गुरुनगरी अमृतसर में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि बड़ी वारदात करने के बाद लुटेरे दूसरी वारदात कर जाते हैं, वहीं पुलिस हाथ मलते रह जाती है। मामला लूट से जुड़ा है, जिसमें कि अमृतसर के मजीठा रोड पर बीती रात को एक महिला तथा उसके बच्चे की कनपट्टी पर पिस्तौल तान कर एक स्विफ्ट गाड़ी को लूट लिया गया था। वहीं इसके बाद पूरे शहर में अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अलर्ट के बीच में लुटेरों ने अमृतसर के भाईमन सिंह रोड पर एक बार फिर कार को लूटने का प्रयास किया, लेकिन समय के रहते कार चालक मौके से कार को लेकर फरार हो गया और कार को लूटने से बचा लिया। इस दौरान उन पर गोलियां भी चलाई गई। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि इस कार को जो लूट करने की कोशिश की गई है, इस मामले में जांच की जा रही है। मैं तुहानूं अपनी कल जिहड़ी साडे नाल वारदात होई रात उहदे बारे दसना चाहुंदा। ठीक है जी, असीं तरन तारण तों आ रहे सी एक फंक्शन तों, तो एक अणपछाती गड्डी साडे गड्डी दे मगर लग गई। ठीक है जी, जिहदे ना अगे नंबर प्लेट ही ना पिछे नंबर प्लेट ही, उहदे विच दो लड़के सी ते जो साडी गड्डी नूं खोहण दे चक्कर विच साडे मगर लगे रहे। तरन तारण तों लै के अपने महिमा पिंड तक साडे मगर लगे रहे। तो अं 100 नंबर पर भी फोन लाया, 181 नंबर पर भी फोन लाया, किसी ने साडा फोन नहीं पिक किया। तो असी किसी भी तरह अपनी गड्डी नूं भजा के किसी पिंड विच वड़ के महिमा पिंड च, तो उत्थे गुजरां दे असी डेरे च वड़ के अपनी जान बचाई। उन्होंने फायर भी किए, 5-6 फायर किए, पर चलो साडी गड्डी नूं कोई नुकसान नहीं, किसी भी तरह अपने बच के उत्थे पहुँच के अपनी जान बचा ली। बिल्कुल जी, गवाह जी उन्होंने आप सामने भी सारा कुछ बयान दे सकते, साढ़े कोल बह के उन्होंने जिन्ना साड़ी जान बचाई। हाँ,